नमस्कार मित्रों, यदि आपको ये 9 संकेत मिलते हैं तो आप कोई साधारण मनुष्य नहीं है। इस संपूर्ण विश्व में सर्वशक्तिमान ईश्वर ही है और उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। यह बात समय समय पर सिद्ध हो चुकी है कि ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से भले ही दिखाई ना दें, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वह इस संसार के कण कण में बसे हुए हैं। यह बात भी सत्य है कि हम में से कुछ लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि उन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है और कुछ ऐसी शक्तियां उनके आसपास हमेशा विद्यमान होती है जो हर समय उन्हें सही मार्ग दिखाती है और हर मुश्किल में उनकी सहायता करती है। यही नहीं, यह ईश्वरीय शक्तियां कुछ ऐसे व्यक्तियों को चुनती है जो खुद भी सही मार्ग पर चले और दूसरे लोगों का भी सही मार्गदर्शन कर सके तथा उनकी सहायता कर सके। लेकिन हमें कैसे पता चल सकता है कि किन व्यक्तियों के पास अलौकिक शक्ति है या कौन से व्यक्तियों पर ईश्वर की कृपा है? तो आपको बता दें कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताया गया है जिनसे हम यह समझ सकते हैं कि किन व्यक्तियों पर ईश्वर की कृपा तथा अलौकिक शक्तियां हैं। तो चलिए जान लेते हैं उन संकेतों के बारे में जिन व्यक्तियों के अंदर काम, क्रोध, ईर्ष्या, मोह माया, लोभ तथा अहंकार जैसी भावनाएं नहीं होती। उन व्यक्तियों पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। ऐसे व्यक्ति व्यभिचार नहीं करते, उन्हें क्रोध नहीं आता या अपने क्रोध पर काबू रखना आता है। ऐसे व्यक्ति अपने मुख से कभी गाली गलौज नहीं करते। ऐसे व्यक्ति अपने मन में ईर्ष्या की भावना ना रखकर दया और प्रेम की भावना से दूसरों से पेश आते हैं। ऐसे व्यक्ति संतोष वृत्ति के होते हैं, यानी कि उसे किसी भी वस्तु का अत्याधिक लालच नहीं होता है। उसे जितना प्राप्त होता है उसमें वह स्वयं को संतुष्ट मानते हैं। यदि किसी व्यक्ति को सपने में कई बार मंदिर या उसके आसपास का परिसर दिखाई देता है तो शास्त्रों में ऐसे व्यक्ति को भाग्यशाली माना गया है। जिन व्यक्तियों को अपने सपने में ईश्वर का बार बार साक्षात्कार होता है, उन्हीं व्यक्तियों के साथ ईश्वरीय शक्तियां जुड़ी होती है। भगवान ऐसे व्यक्तियों को कुछ विशिष्ट संकेत भी दे सकते हैं जिनसे वह व्यक्ति समझ सकता है कि अलौकिक शक्तियां हर कदम पर उसके साथ हैं। जो व्यक्ति अपने दैनिक कार्य से बचा हुआ समय ईश्वर की भक्ति, आराधना और नामस्मरण में व्यतीत करता है और ईश्वर को सत्य मानते हुए उनकी अनुभूति करने में समर्थ होता है, वास्तव में उस व्यक्ति के आसपास एक ईश्वरीय शक्तियों का पवित्र घेरा होता है जिसके कारण उसे ईश्वर का आभास होता रहता है। जो व्यक्ति समाज के प्रति अपना दायित्व समझते हुए सत्कार्य और पुण्य के काम करते हैं तथा मुसीबत में फंसे लोगों व गरीब और लाचार व्यक्तियों की यथासंभव सहायता करते हैं, आपदा और विपदा के समय मनुष्य तथा पशु पक्षियों की हर तरह से सहायता करते हैं तथा वृद्ध, असहाय और अपंग लोगों की समर्पित भाव से सेवा करना अपना कर्तव्य समझते हैं, ऐसे व्यक्ति वास्तव में समाज के लिए उदाहरण सिद्ध होते हैं। लेकिन आपको यह बता दें कि हर कोई व्यक्ति यह काम नहीं करता है। यह काम केवल वही व्यक्ति करते हैं जिस व्यक्ति के ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है, तभी उस व्यक्ति के अंदर ही ऐसे गुण उत्पन्न होते हैं। ऐसे व्यक्ति अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। ईश्वरीय कृपा प्राप्त व्यक्तियों में एक अनोखी शक्ति भी होती है और वह शक्ति है पूर्वाभास। पूर्वाभास यानी कि भविष्य में होने वाली कुछ विशेष घटनाओं का पहले ही आभास हो जाना। अगर आपको भी भविष्य में होने वाली कोई दुर्घटना या कोई अच्छी घटना के बारे में पहले ही अंदाजा लग जाता है तो आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। कुछ लोगों को हमेशा अपने आसपास एक विशिष्ट प्रकार की सुगंध का अनुभव होता है।
हमेशा सुगंधित फूल, अगरबत्ती, धूप या कपूर जैसे पवित्र सुगंध का झोंका सा हवा में तैरता हुआ महसूस होता है, तो यह उसके आसपास ईश्वर की उपस्थिति का संकेत तथा देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। ईश्वर का समय यानी कि ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 3:30 से लेकर 5:30 या 6 तक का समय होता है। हमारे शास्त्र में इस समय को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ब्रह्मा मुहूर्त को देवताओं का समय माना गया है क्योंकि इस समय के वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यदि किसी व्यक्ति की नींद प्रतिदिन ब्रह्मा मुहूर्त में अपने आप ही खुल जाती है और वह व्यक्ति अपने अत्यंत प्रसन्न चित्त से अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर ईश्वर की आराधना करता है और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देता है, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही ऐसा करता है। उसे ऐसा करने के लिए ईश्वरीय शक्तियां प्रवृत्त करती हैं, यानी कि ऐसे व्यक्ति पर भगवान की कृपा बनी हुई है। कई बार हम किसी मंदिर या धार्मिक स्थल पर भजन कीर्तन या कथा सुनने जाते हैं। कितने भी सुंदर भजन हो या कितनी भी अच्छी कथा हो, बीच बीच में हमारा ध्यान भटक जाता है और हम कभी अपने घर के विषय में, कभी अपनी किसी समस्या पर या फिर अपने आसपास बैठे लोगों का विचार करने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भजन कीर्तन या कथा सुनने में इतने लीन हो जाते हैं कि उन्हें किसी बात का होश नहीं रह जाता। उन्हें बस अपने आसपास पवित्रता का एहसास होता है और बहुत ही शुभ ध्वनियां सुनाई देती हैं। तो ऐसे व्यक्ति का साथ निश्चित ही अलौकिक शक्तियां दे रही हैं। जो व्यक्ति ईश्वर के चरणों में ही परम आनंद की अनुभूति करता है और ईश्वर भक्ति को ही वास्तविक आनंद मानता है, ऐसा व्यक्ति न तो कभी दुखी रह सकता है और न ही किसी को दुख दे सकता है। ऐसे व्यक्ति का मन और मस्तिष्क हमेशा शांत रहता है, जिससे वह कभी भी सत्य व सदाचार के मार्ग से विचलित नहीं होता। यह उसे ईश्वर से मिला एक